से खत्म नहीं उस दिन ही होने वाला था, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। तो वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज सेकुलरिज्म, आई एम रिपीटिंग लिटिल बिट इन शॉर्ट वंस अगेन। सेकुलरिज्म मींस इज रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेपरेशन ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस अवर ओन रिलीजन, इसका मीनिंग ये नहीं है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट का मतलब है स्टेट डज नॉट सपोर्ट और स्टेट डज नॉट अपोज एनी पर्टिकुलर रिलीजन और दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द पीपल, वेदर यू आर मुस्लिम हिंदू और क्रिश्चियन और सिख और एनी अदर रिलीजियस ग्रुप। तो एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ आपका स्टेट, इसका मतलब यह हो गया यानी कि एवरीबडी इज फ्री टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजियस रिलीजन, एवरीबडी इज फ्री टू मेक देयर ओन वर्शिप प्लेसेस, एवरीबडी इज फ्री टू एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आप कह सकते हैं दिस इज द ट्रू सेकुलरिज्म। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या स्टेट गवर्नमेंट है तो दे आर नॉट डिक्लेयरिंग और दे आर नॉट प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन और दे आर नॉट गोइंग टू अपोज अननेसेसरीली एनी पर्टिकुलर रिलीजन। बट क्या उनकी उनकी आंखों में क्या है, उनकी आई में, इन द आई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इन द आई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरी रिलीजियस ग्रुप्स आर इक्वल एंड दे आर टोटली फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे आर टोटली फ्री टू वर्शिप देयर गॉड एंड गॉडेसेस, दे आर टोटली फ्री टू make their own religious practices by their own way, ठीक है ना? But sometimes some restrictions may be imposed. Just suppose मान लिया nearby area, suppose Bhajan Kirtan is going on, and that particular area is आप कह सकते हैं there are hospitals, ठीक है ना? अगर मान लिया hospital है, or suppose board exams are going on throughout the country, so then some restrictions may be imposed. They were sometimes they were not allowed to make the loud chimes or loud bhajan or kirtan, ठीक है ना? Sometimes they may impose the some restrictions, but overall there are no restrictions to make their you are allowed to make your worship place, you are allowed to establish your own institutional schools or institutional school का मतलब college खोल सकते हैं और यू कैन कंटिन्यू और यू कैन आप कह सकते हैं और समथिंग अबाउट योर रिलीजन गुड थिंग्स, ठीक है ना? ये सारी की सारी बातें क्या है, ये क्या है? और मैंने क्या एक एक आपको पिक्चर दी है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो स्टेट से अलग करने के लिए मैंने उसको डिस्कस ही किया था, मैं आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, बिकॉज एनी रिलीजियस ग्रुप मे नॉट सप्रेस the another small group of people, those who are belong to the small groups. तो इसलिए separation is very much essential, ठीक है ना? तो ये भी और फिर अब आ जाएंगे हम जो main हम जो जो उस दिन discuss करने वाले थे, that was started what is Indian secularism, यानी कि Indian secularism है क्या? अब Indian secularism क्या है? उस दिन मैंने दो तीन point आपको मैंने बताए थे और मैंने कहा भी था जब whenever this type of questions will come or when you are going to write something about the Indian secularism, तो these are the some आप कह सकते हैं these are the some important point which are given in your book. They are given in point wise, 1, 2, 3 likewise. They are given in point wise, like 1, 2, 3 they are given on page number 21. मैंने उसमें बता दिया था आपको क्या है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो टाइम इज ना अभी इसी पीरियड में खत्म हो जाएगा, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, पहला यानी कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर्स। समझ गए होंगे आप? सपोज सम आर इन लार्ज नंबर इन डिफरेंट स्टेट, इन सम स्टेट नाउ देयर मुस्लिम्स आर इन लार्ज नंबर, बहुत सारे स्टेट में छोटे छोटे स्टेट है वो
दे आर लार्ज नंबर, तो वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर गोइंग टू सप्रेस द माइनॉरिटी, दोज हु आर माइनॉरिटी इन देयर ओन स्टेट एज ए होल इंडिया। अगर ऑल ओवर कंट्री अगर देखें तो हिंदूज आर इन मेजोरिटी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदूज आर स्टार्ट सप्रेसिंग और आप कह सकते हैं दे आर स्टार्ट डोमिनेटिंग ओवर द अदर स्मॉल कम्युनिटी दोज आर अवेलेबल इन लेस नंबर। तो इसीलिए सेपरेट यानी कि इधर डिमार्केशन है यानी कि सेंटर इसमें गवर्नमेंट के बीच में और रिलीजियस मैटर के बीच में देयर इज अ सेपरेशन। लेकिन अगर मान लीजिए अगर दूसरा है तो इसलिए वो सेपरेट है यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर नॉट गोइंग टू इंटरवीन, ठीक है ना, अंटिल अनलेस इट इज नॉट वेरी मच एसेंशियल टू इंटरवीन। जब तक वो एसेंशियल नहीं होगा most of the time they are not going to intervene, they are not going to interference at all, ye meaning uska ho gaya. uske baad hai second is that some members do not dominate other members of the same religious community. maine usko bataya tha some untouchables are there, they are not treated well by the society. some tribal communities are there, they still they are not treated by the society in a good manner. or poor some farmers are not treated well by the society, ठीक है ना, तो ये सब चीजें क्या है, they are avoidable, they are totally banned by the constitution of India. constitution में इन सबको इन सब के बेस पर उनको हम और जितना भी untouchability है या कोई भी discrimination है even on the basis of gender, male और female के बेस पर हम जैसे suppose आपने देखा होगा some families are not sending their girl child to the school. They always sending their male child. They always sending their male child to the good schools. But sometimes they are not sending their girl child to the schools. ठीक है ना? Sometimes they are not allowed to roam here and there, you know, on a public places for their girl child. Sometimes they are not purchasing any land, any piece of land, any property on the name of their, your mother or on the name of your grandmother, on the name of your sister. But most of the time, they are purchasing their entire property on the name of male. Male means your father may be holding some plot, your brother may be holding some type of plot or cultivated land. So, ये भी क्या है? It is totally banned. ठीक है ना? आपने देखा होगा हिंदू सक्सेशन लॉ, we already discussed in 7th class. आपने 7th क्लास में हिंदू सक्सेशन लॉ पढ़ा था ना आपने 2005। आफ्टर दैट लॉ इंप्लीमेंटिंग आफ्टर दैट पर्टिकुलर लॉ, तो अभी क्या है नाउडेज जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं दे आर इक्वली एंटाइटल्ड टू गेट द पेरेंटल शेयर ऑफ देयर पेरेंटल प्रॉपर्टी। अगर मान लिया उनके मम्मी पापा खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली दे बिकम द इक्वल शेयर होल्डर्स from their parental property, यानी कि equal shareholder वो whether he or she, ठीक है ना, यानी कि वो boy है या girl है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है हमारा, यानी कि gender discrimination should not be there, religious discrimination should not be there, it is totally banned from the by the constitution of India, ठीक है ना, तो ये दूसरा point हो जाएगा, क्या उसके बाद that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. यानी कि state ऐसा force नहीं कर सकता कि you have to adopt the Hindu religion or you have to join the Muslim religion or you are not forcing by any force or by any power you are going you should join the Christianity or you should join the Sikhism. So this particular enforcement of the religious practices, it is not, आप कह सकते हैं enforced by any power, whether it is central government, whether they are local government, state government, ठीक है ना, तो nobody is going to suppress you to join a certain type of religious group. ये इंडिया में ऐसा है, लेकिन आगे क्या है? First, it uses strategy. distancing itself from the religion. यानी कि पहली पॉलिसी क्या है इंडियन स्टेट की कि we should not involve
in any religious matter until unless it is not threatening our integrity or it is not threatening our security of the country. ठीक है ना? Or it should not be violating any rules and regulations. तो जब तक ऐसा जरूरत नहीं समझी जाती है तो तब तक हमारा क्या है जनरल अवर गवर्नमेंट इज नॉट इंटरवेंट और इंटरफेरेंस इन एनी रिलीजियस मैटर्स आमतौर से. ठीक है ना? फिर है इन इंडिया द गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. यानी किसी भी जो मैंने नाम लिया पुलिस स्टेशन में भी थे स्कूल्स दो जो स्कूल्स आर रन बाय द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो दीज ऑल जो ऑफिस हैं दो जो ऑफिस आर होल्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी तो दीज ऑफिस पुलिस स्टेशन दीज स्कूल आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स. यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेस्टिवल को सेलिब्रेशन का उनको अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. If they are going to celebrate the Deepavali in the school premises, then they should celebrate the Guru Parav also. They should celebrate the Eid also. They should celebrate the Christmas Day also. अगर ऐसा है primary में जो primary जो हमारे classes हैं KG और UKG और even I think so in first class. So your teacher may be celebrating all type of celebrations while these celebrations are reaching. ठीक है ना? In the calendar year, अगर मान लिया calendar year में वो सारे का सारे जो main main festivals हैं जैसे मान लिया one or two festivals which are generally belong to the Hindu community, one or two religious festivals they have selected from the Muslim community. One festival at least they are selected from the Christian community. One at least they have to select from the Sikh community. Or likewise, sari communities agar aisa kar rahe hain for your, yani ke information, kyunki you are in beginning, aap education system mein aapki beginning hoti hai, to isliye wo kabhi kabhi kya karte hain KG mein, UKG mein ya first tak bhi. सारे के सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करके दिखाते हैं जिससे आपको यू आर हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ दे आर सेलिब्रेटेड एंड बाय हूम दे आर सेलिब्रेटेड एंड हाउ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट ऑल दीस फेस्टिवल्स. तो टू प्रोवाइड यू द ऑल दीस इंफॉर्मेशन यानी तो कैसे सेलिब्रेशन होता है किस ग्रुप का है क्या है क्या होता है उसमें. ठीक है ना? उस पर्पस से अगर सिखा रहे हैं तो देन दे आर अलाउड टू टीच समथिंग अबाउट द डिफरेंट रिलीजियस in a single platform यानी कि एक ही क्लास में आपको चार पांच छह रिलीजन जो मेन मेन रिलीजन है हमारे उसके बारे में टर्न बाय टर्न जब वो कैलेंडर ईयर में उनकी डेट आएगी तो उससे एक दो दिन पहले एक दो दिन बाद में हमारे स्कूल अथॉरिटी कभी कभी क्या सेलिब्रेट करती है. बट ऐसा ध्यान में रखा जाता है वी हैव टू सेलिब्रेट एट लीस्ट वन फेस्टिवल फ्रॉम ईच कम्युनिटी जो मेन मेन कम्युनिटी है. तो ऐसा ना हो जाए कि दूसरे बच्चे जो डिफरेंट कम्युनिटी अदर देन हिंदू अदर देन मुस्लिम्स और दे मे नॉट फील दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम अदर्स ऐसा फील ना हो जाए. तो इसलिए आमतौर से केजी में यूकेजी में फर्स्ट तक भी वो सारे के सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके आपको दिखाया जाता है कि भी कौन सा फेस्टिवल किस ग्रुप के लिए है या कौन सा हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलिब्रेशन मेकिंग देयर सेलिब्रेशन in a different days unke baare mein importance batane ke liye aapko sometimes we are celebrating all these festivals on a equal basis. theek hai na? aisa lekin jaise jaise hum office ki taraf jayenge those offices are held and controlled by the government of india or central government. police stations are maintained by the state authority. schools are run by the state. to inme fir baad mein koi bhi religious practice यानी कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस इट इज नॉट अलाउड एट ऑल टू सेलिब्रेट द डिफरेंट फेस्टिवल्स इन देयर प्रीमिसेस. प्रीमिसेस का मतलब उनके जो एरिया है जैसे स्कूल की बाउंड्री है विद इन द स्कूल बाउंड्री तो वी आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट द सर्टेन टाइप ऑफ फेस्टिवल्स. ठीक है ना? बिकॉज़ इट इज अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऐसा है हम घर पे जाकर के अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने
we can join hand with our friends, whether they are belong to the Muslim community or Hindu or Sikh or Christians. It may not make any type of difference. We may celebrate Christmas, we may celebrate aap kya sakte hain Eid, we may celebrate Deepavali or Holi jointly. Wo uske upar koi, there is no restrictions at all. We can join the festival of others. Ye freedom, we are living this type of freedom also. But government is, or government system is not going to promote any particular religion specifically for a particular religious group ke liye. Na favor mein baat karenge hum, na hi kahin against mein baat karenge. So this is the two meaning of secularism or Indian secularism jo diya hai. Lekin isme example diya hai, ek story board diya hai. Yahan par kya hai, government high school, ye diya na government high school, idhar left hand side mein diya hai aapko. आप जब इसे पढ़ेंगे स्टोरी को, तो इसमें इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट द पर्टिकुलर रिलीजन इन देयर ओन स्कूल्स. आप घर पे जाकर सेलिब्रेट कर सकते हैं. अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सब रिलीजन के बारे में जब उनकी डेट आएगी तो कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू टेक द वन रिलीजन फेस्टिवल, ठीक है ना. तो तब ऐसा करेंगे तो वो सही माना जाएगा. अदरवाइज तो क्या है, एक 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 सेलिब्रेशन कर दिया, दूसरे को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स और यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, ठीक है ना. तो ये सब करते हैं. अनदर एग्जांपल इज गिवन, सम सिख इज देयर. अब क्या है इन इंडिया, अगर आप देखें इन रिसेंट टाइम, ऑलमोस्ट नेशनल वाइड एंड डिफरेंट स्टेट दे आर ऑलरेडी पास अ पर्टिकुलर लॉ. We said that while you are driving, when you are riding a bicycle, motorcycle or scooter or two wheeler, you can say in short two wheeler, so you have to wear the kya wear ke liye, wearing ke liye kya bola jata hai while you are driving drive two wheeler. So what is the compulsion nowadays for your security? I'm making some clues or hints. Who is riding a helmet? Yes, good. बिल्कुल ठीक है, रेहान खान, हेलमेट. हाँ, तो इट इज मेड कंपल्सरी नाउ डेज व्हाइल वी आर ड्राइविंग मेकिंग अवर राइड ऑन अ टू व्हीलर, तो वी हैव टू वेयर द हेलमेट, ठीक है ना. एंड इट इज मेड कंपल्सरी बाय द स्टेट, इट इज मेड कंपल्सरी बाय द यूनियन गवर्नमेंट थ्रू आउट द कंट्री नाउ डेज आमतौर से. बट इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी, ये स्टोरी आप देख रहे होंगे, इसमें देखेंगे एक सिख है यहाँ पर और दूसरा उसे चेक कर रहा है, why you are not wearing पगड़ी, why you are not wearing helmet. तो वो बोलता है इसमें कि पगड़ी जो है हमारे, इट इज अ कंपल्सन, इट इज सेट बाय आवर सिख जो रिलीजन है उसमें इट इज कंपल्सरी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वियर द हेलमेट ऑन पगड़ी. ऐसा कहकर के एक्सक्यूज चाहता है कि वन टू एक्सक्यूज एंड ही इज नॉट रेडी टू, सपोज ही इज नॉट रेडी टू वियर द पगड़ी, सॉरी हेलमेट, पगड़ी निकल रहा है हेलमेट. तो देन अगर ऐसा कंडीशन में है तो प्रीवियसली सम इयर्स यानी कि 2-3-4-5-10 साल तक दैट वाज नॉट मेड कंपल्सरी फॉर द सिख कम्युनिटी पीपल, दोज वर हैविंग द टर्बन और पगड़ी, ठीक है ना. तो दे वर फ्री टू, दे वर नॉट कंपल्सन, दे वर नॉट कंपल्सरी टू वियर द हेलमेट इन द इनिशियल स्टेज. लेकिन जब बाद में एक्सीडेंट केस होते चले गए एंड लॉट ऑफ पीपल दोस वर बिलोंग टू द सिख कम्युनिटी दे आल्सो लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, यानी कि जब उन्हें एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट को, सिख कम्युनिटी को, कि जब उनका एक्सीडेंट होता है इफ दे आर नॉट वेयरिंग हेलमेट तो स्टिल दे आर दे लॉस्ट देयर लाइफ, ठीक है ना. तो बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अगर मान लिया ऐसा कि कुछ छूट दे दी गई, अगर मान लिया रिलैक्सेशन दे दिया तो इट इज डेंजरस फॉर देयर लाइफ, ठीक है ना. तो इसलिए बाद में कंपल्सरी कर दिया वेदर यू आर सिख और वेदर यू आर बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी. किसी भी कम्युनिटी में अगर बिलोंग करते हैं तो इट इज कंपल्सरी टू वियर द हेलमेट व्हाइल यू आर ड्राइविंग ए टू व्हीलर, ठीक है ना. अगर टू व्हीलर आप ड्राइव कर रहे हैं तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या और किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि
हमारे जो रिलीजन में ये चीज नहीं है या वो नहीं है, ठीक है ना। जैसे अबॉर्शन का एग्जाम्पल दिया था पिछले, मुझे याद आ रहा है सेवंथ क्लास में शायद अबॉर्शन के बारे में कुछ बताया था, या अगले कुछ चैप्टर में आने वाला है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। तो जो क्या है, बहुत सारे कम्युनिटी में ऐसा है, अबॉर्शन समझ रहे हैं आप, बिफोर मैच्योरिटी ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो हमारा इन्फेंटिसाइड है बिफोर मैच्योरिटी, तो समटाइम अवर जो सम कम्युनिटी है दे आर थिंकिंग दैट हम अबॉर्शन अलाउड नहीं है हमारे उसमें, ऐसा कुछ बोलते हैं। और फैमिली प्लानिंग इज नॉट अलाउड इन अवर कल्चर और इन अवर रिलीजन। अगर ऐसा कुछ कोई बोलता है, अगर गवर्नमेंट सोचती है कि भाई इट इज कंपल्सरी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो देन इन दीज सिचुएशंस गवर्नमेंट आल्सो अलाउड टू मेक देयर ओन डिसीजन। यानी सम टाइम इफ देयर इज अ नेसेसिटी, अगर नेसेसरी है तो वो उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। जैसे सरदार के बारे में मैंने बताया, सिख कम्युनिटी के बारे में बात किया, प्रीवियसली देयर नॉट there was no compulsion for them, they have to wear the helmet during while they were driving two wheeler, but nowadays it is compulsory. Yes, nowadays fine is common for all. Abhi fine ho sakta hai, it is common for all. Suppose 100 rupees fine is there, those who are not wearing the helmet while they were driving in the driving their two wheeler, agar maan le 200 for हिंदूज के लिए है, तो इट इज सेम पनिशमेंट और सेम पेनल्टी ऑन मुस्लिम आल्सो, द सिमिलर वे दिस इज सेम पेनल्टी ऑन द सिख कम्युनिटी आल्सो इफ दे आर नॉट वेयरिंग हेलमेट नाउडेज, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें क्या है, यानी कि हमारा जो रिलीजियस जो मैटर है, जनरली दे आर नॉट इंटरवेंट बाय द गवर्नमेंट, दे आर नॉट इंटरवेंट बाय द स्टेट अथॉरिटी, बट इफ देयर इज अ नेसेसिटी एंड इट इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इट इज welfare for the country, so there are some provisions in our constitution. So that constitution jo makers hai unhone provision diya hai ke wo intervene kar sakte hain, jaise maine bataya infanticide ko kill karna before birth, kabhi kabhi kya hota hai infanticide they are killing before delivery se pehle maar dete hain, dawa kha kar ke operation kara lete hain, kuch kar lete hain, और कई पब्लिक सोचती है कि भी ये इलीगल है पूरी तरह, तो इसलिए हम फैमिली प्लानिंग नहीं करवाएंगे या हम बच्चे नहीं करवाएंगे या पॉलीगेमी इट इज अलाउड बाय द बाय आवर लॉ। जैसे आमतौर से जो मुस्लिम्स हैं, तो अगर मान लो उनकी पहली वाइफ जिंदा है तो उनको दूसरी जो शादी है, अगर मान लो उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है या किसी कंडीशन से, वो दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी शादी कर सकते हैं, पॉलीगेमी। लेकिन अगर मान लिया जरूरत पड़ती है फ्यूचर या कोई रूल बनाने की, तो इट में इंटरवेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द स्टेट अथॉरिटी, इट इज देयर इज अ स्कोप। अगर मान लिया उसे पार्लियामेंट पास कर देती है, तो ये सब बातें ज्यादा डिटेल में उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो सिख वाले से आप समझ में आ गया होगा आपको, जो सिख के बारे में मैंने बताया है, अब मैं पढ़ रहा हूँ। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू द प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन इज थ्रू द स्ट्रेटजी of non-interference, यानी कि हम interference नहीं करेंगे between the religious matters, ठीक है। उसके बाद है, this means that in order to respect the sentiments of all religions and not interference with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities, यानी कि कुछ communities अगर मान लिया वो इस तरह की practice अभी भी कर रहे हैं, so it is accepted by the government, they are having some relaxation from the government agencies, jaise maine sardar ka example diya tha, lekin abhi kya hai, it is made compulsory for all. ab phir to ye kahenge jo 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 females hain, they are also having the big hair, unke sar pe bhi bahut bade kabhi kabhi choti banati hai, tail rakhti hai, bahut bade baal hote hain, to wo bhi ye bol sakte hain ki we are not going to wear helmet, so it is very difficult to maintain the law and order. तो इसलिए गवर्नमेंट चाहे तो उसमें इंटरफेयर कर सकती है ऐसे मैटर्स में, ठीक है ना। फिर क्या है, परंतु द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर द हेलमेट, दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वियरिंग ऑफ पगड़ी और टर्बन इज सेंट्रल टू द सिख रिलीजन प्रैक्टिस, एंड एन ऑर्डर नॉट इंटरफेयर विद दिस अलाउड टू एक्सेप्ट, यानी कि
एक्सेप्शनल इन द लॉ, यानी कि सम रिलैक्सेशन फॉर द स्टेट कम्युनिटी वाज अवेलेबल. द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ लिस्टेड अर्लियर इज द थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन. ठीक है ना, यू रेड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट द अनटचेबिलिटी. जैसे अनटचेबिलिटी है वो क्या है, it is practiced previously it was practiced in Hindu religion, but nowadays it is banned by the government, by the government or by the Constitution of India. Constitution of India ye ban kar di gayi hai. This is good example where members of the same religion, upper caste Hindus, dominate others members from lower caste within it. Theek hai na, so nowadays it is banned. In order to prevent this religion based exclusion or specific relation religion based discrimination among or against the lower caste, so it is totally banned by the Constitution of India. Abhi kya hai, ban kar diya gaya hai. To uske baad kya hai, USA ka example diya hai, ek mein USA ka aur Indian jo hamara secularism hai uska example diya, yani ki Indian secularism to aapko clear ho gaya. हम इंटरफेयर कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, बट इन जनरल 99.9% आवर गवर्नमेंट, आवर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरवेन. इफ इट इज नेसेसिटी देन देयर इज अ प्रोविजन. अगर हम चाहें तो, अगर मान लिया सोसाइटी के ज्यादा फेवर में हो, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सिक्योरिटी है के फेवर में है, तो देन गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक सम अरेंजमेंट for the betterment of society, for the betterment of after the country or to save the life. अगर कुछ ऐसा मैटर आता है तो उसमें इंटरवेंट करने का एक प्रोविजन है इंडिया में, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ प्रोविजन इज गिवन. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस, यूएस में देखें तो बेसिकली क्या है, neither they are going to support or neither they are going to oppose any religion. But at the same time difference kya hai, political system is separate, they are not going to use any after sakte political agenda which is very much related to their religion. Religion ka naam nahi le sakte, they are not allowed to take the even name of the particular religion, or neither they are going to take votes from the people by raising the sentimental issues or jab whatever said by their church. तो अगेन दे आर नॉट गोइंग टू इंटरवेन बिटवीन द चर्च अथॉरिटी. जैसे चर्च को जो वो चाहे वो आप इंप्लीमेंट करा सकते हैं अपने रिलीजन रिलीजियस मैटर में, ठीक है ना, तो देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट और देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट इन एनी कंडीशन. यानी कि जो रिलीजियस मैटर है दे आर टोटली आप कह सकते रिजोल्व बाय द देयर रिलीजियस गुरु और रिलीजियस मास्टर्स फादर्स, ठीक है ना, जो भी वहाँ रिलीजन जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा उसको डिसाइड करेंगे. किसी भी कंडीशन में, एनी कंडीशन, द पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट अलाउड मिक्सिंग और यूज द रिलीजियस सेंटीमेंट ड्यूरिंग द इलेक्शंस और ड्यूरिंग देयर डेली लाइफ, ठीक है ना. तो दे आर टोटली सेपरेट, यानी कि बिल्कुल टोटली सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ रिलीजियस मैटर. They will totally decide by the religious, आप कह सकते हैं teachers or religious group, और जो decision है आपके US government जो लेती है, तो they are totally, आप कह सकते हैं they are not allowed to make any type of interference between the religious matters. So they are not going to raise this sentiments, or they are not going to make the any, आप कह सकते हैं comment against any religious group or in favor of any particular religious group. It is totally banned. And हम अभी पिछले अगर historical background लेकें, तो in USA they are not going to utilize the religious matter into their election. They are contesting elections on the basis of their economical policy. They are making their contest on the basis of their foreign policy. Or they are making their elections on the basis of their educational policy. Or what type of facilities they are going to provide in future when they will come in power,
और व्हाटएवर आप कह सकते हैं जो प्रॉमिसेस हैं मेड बाय द डिफरेंट कैंडिडेट व्हिच आर बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी तो दे आर टोटली एंड टोटली सेपरेट फ्रॉम द लीगल प्रैक्टिस. ठीक है ना. यानी कि जैसे इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज देयर रेजिंग देयर वॉइस इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस सेंटीमेंट्स दे वांट टू कैश either some political party want to take advantage during the elections by the Muslim, from the Muslim community or some political parties using as a Hindu they want to take the benefit from the Hindu community or sometimes some political parties are getting try to get the support from the Christianity and sometimes they are also deliver their speech in favor of different religious groups and हालांकि ये भी क्या है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज नॉट अलाउड बट स्ट्रिक्ट एक्शन इज नॉट टेकन फ्रॉम द आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशनर. इलेक्शन कमीशन क्या है इट इज अ फ्री ऑटोनॉमस बॉडी है लेकिन सम टाइम क्या होता है इंडिया में अभी क्या है इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय ए स्ट्रॉन्ग वे और बाय ए बोल्ड वे अच्छी तरह वो ढंग से लागू नहीं है. हालांकि हमारी वीकनेस इट इज वीकनेस ऑफ अवर्स दोज हु आर यूजिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल दीज प्रोविजंस आर वेल डिस्क्राइब दे आर वेल आप कह सकते हैं एक्सप्लेन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि हमारा जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता है लेकिन सम पीपल्स आर स्टिल यूजिंग द रॉन्ग मींस ऑफ आप कह सकते हैं मेथड्स टू मोटिवेट देयर वोटर्स. ठीक है ना. तो ये अब कभी कभी ये दिया जाता है यूएसए के में और इंडियन जो सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सेकुलरिज्म एंड यूएस सेकुलरिज्म. तो ये बहुत क्लियर कर दिया है. In USA, the separation between the state and religion mean that neither the state nor religion can interfere in the affair of one another. यानी कि USA में किसी भी कंडीशन में कैसे भी कंडीशन हो जाए चाहे वो यानी कि state does not go into favor intervene between the religious matter or religious matter also not going to intervene in their political system. ये पूरी तरह separate है. ठीक है ना. ये इसमें आ जाएगा. ठीक है ना. फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे. मैं आपको हल्का सा हिंट दिए दे रहा हूं कर लेना है इसमें. ठीक है ना. जैसे पहला है लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड. इट इज वेरी इजी. नेबरहुड में कौन कौन से प्रैक्टिस होती है वो लिख देना. जैसे होली इज सेलिब्रेटेड, ईद इज सेलिब्रेटेड, क्रिसमस डे इज सेलिब्रेटेड. ठीक है ना. गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड ऐसा. And how they are celebrated अगर कुछ आता है तो आप describe, you can describe. ठीक है ना. clear हो रहा है ना. हाँ then उसके बाद है does this indicate the freedom of religious practice? Yes, this indicate the freedom of religious practice. क्योंकि in India everybody is allowed to celebrate their own religion by their own way. ठीक है ना. हाँ देखूंगा मैं क्लासरूम पे अगर रहा तो सर मना कर. हाँ चलो फिर देखता हूँ. तो उसके बाद है विल द गवर्नमेंट इंटरवेन इन सम रिलीजियस ग्रुप्स से दैट देयर रिलीजन अलाउड टू देम प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड. जो मैंने अभी बताया था इन्फेंटिसाइड अलाउड है. अगर मान लिया कोई इन्फेंटिसाइड बोलता है कि इट इज अलाउड इन आवर रिलीजियस प्रैक्टिस अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कैन इंटरवेन. अगर मान लिया कोई इन्फेंटिसाइड killing of infanticide before their birth. Infanticide का मतलब before delivered their child. Sometimes they are killing their females. जो girls child है वो पहले से check करा के कभी कभी वो they're trying to kill the female infanticides. ठीक है ना. before their birth. अगर अभी क्या है nowadays it is declared illegal. Those who are practicing this wrong practice, so they may be penalized. They may be punished. By the state authority. ठीक है ना. तो वो लिखेंगे yes in India there may be interference हो सकता है. ठीक है ना. तो उसके बाद जो third है complete the following table complete करनी है आपको. मैं आपको हल्का बता दे रहा हूँ. one religious community does not dominate other. जो कि ये क्या है हमारे why in this importance to end because जो those who are in last number they may be not dominated by the majority of people. ठीक है ना. ऐसा लिखना है. आपने अपने वर्ड हो सकते हैं लेकिन लिखना वही है उस तरह का कॉन्सेप्ट. फोर्थ वन जो क्या है लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल
how many of them pertain or belong to different religions. यानी कि जो आप कह सकते हैं जैसे हिंदू रिलीजन के कुछ को दो तीन आप रिलीजन रिलीजियस के नाम लिख सकते हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज के बारे में कुछ कुछ आप नाम लिख सकते हैं. उसके बाद अगर मान लिया सपोज जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ हिंदू में, जैसे आपका हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये मेन है. जो हिंदू में जो हिंदू का जो हॉलीडे होते हैं हमारे यहाँ पर जैसे दशहरा हो गया, ठीक है ना, महाशिवरात्रि हो गई, दीपावली हो गई, होली हो गई, ये क्या है, वी आर हैविंग हॉलीडेज इन आवर स्कूल कैलेंडर एंड दे आर वेरी मच रिलेटेड टू हिंदू. फिर क्या है जैसे ईद हो गया, ठीक है ना, मुहर्रम हो गया, ये दो मेनली क्या है किस कम्युनिटी के बारे में लिख सकते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में लिख सकते हैं. जैसे लोहरी हो गया, गुरु पर्व हो गया, ये दोनों किसके बारे में लिख सकते हैं, सिख कम्युनिटी के बारे में लिख सकते हैं. और जो क्रिश्चियन का है गुड फ्राइडे और क्रिसमस, ये किसके बारे में लिख सकते हैं, क्रिश्चियंस के बारे में लिख सकते हैं. वैसे फिफ्थ है फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन. सेम रिलीजन में विद इन द व्यूज सम आर सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर अप्रोच और सम आर नॉट सपोर्टिंग. तो वैसा ही आपको जो मैंने गाइडलाइन दे दी है और जितनी भी ग्रोसरी है इसमें व्हाटएवर ग्रोसरीज आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो यू हैव टू डू, ठीक है ना, आप करेंगे. अब हिस्ट्री का तो दो चैप्टर हो गए थे, एक मिनट, हाँ हिस्ट्री के दो चैप्टर हो गए थे, तो हिस्ट्री का अभी अभी थोड़ा सा हम बाद में